और आज की जो कार्यशाला विशेष तौर पर रखी गई है इस खरीफ के मौसम में इन सारे फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और किसानों को सुविधा उपलब्ध कराना, और इसमें हम निश्चित रूप से पीछे के वर्षों की तुलना में और बेहतर परिणाम देंगे। मंगल पांडे सर, गर्मी बहुत ज्यादा है, किसान परेशान है, पानी को लेकर के क्राइसिस भी दिख रही है। मैंने कहा ना वो सिंचाई की व्यवस्था है, तो सिंचाई की व्यवस्था करने कराने में हमारी भूमिका के साथ साथ अन्य विभागों की भी भूमिका है, और उन विभागों के साथ आपस में समन्वय और तालमेल बना के कैसे हम खेतों तक पानी पहुंचा के किसानों को उन समस्याओं से मुक्ति दिला सके या उस उनकी समस्या का समाधान कर सके, उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। और जहाँ पे हम नहर नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ पे जल संचय के जो अन्य स्रोत और साधन हैं उसके दिशा में भी काम हो रहा है, ना केवल कृषि विभाग की ओर से बल्कि अन्य विभागों की ओर से भी ये काम किए। सर, बैंक लोन के सर जो बात हुई थी कल, आपने कहा था केसीसी को लेके कि दिलाए, ये सर समस्या हर बार देखने को मिलता है लेकिन अभी तक इसका ठोस निदान नहीं निकला। और दूसरा सर कि धान के बीज कई जगह से किसान कह रहे हैं कि सही नहीं मिल रहा है। धान के जो बिचड़े डाले गए हैं और धान की किसानों को धान का बिचड़ा समय मिल जाए उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आज ही SLBC की मीटिंग से ही मैं आ रहा हूँ, वहाँ राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में किसानों के संदर्भ में सभी विषयों को बहुत प्रमुखता के साथ, गंभीरता के साथ और तथ्यों के साथ हम सब लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ हुई इस बैठक में रखा है, और जो KCC का विषय है उस पे ज़्यादा फोकस किया है। और उस फोकस का परिणाम ये आया कि आज SLBC की मीटिंग में ये तय हुआ कि किसानों के संदर्भ में और कृषि विभाग के साथ एक SLBC की अलग से मीटिंग की जाएगी, और वो डेडिकेटेड होगा किसानों के लिए, कृषि विभाग के लिए, और उसमें मुख्य रूप से KCC पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। चूँकि हमारे राज्य के अंदर लगभग जो 40 लाख ऐसे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलती है, जो लक्षित किए गए हैं कि उनको वो सुविधा उपलब्ध कराना है, उन किसानों तक उसका लाभ पहुंचाना, और कुल मिला के जो 2 करोड़ रजिस्टर्ड हमारे किसान हैं उन किसानों में से अधिकतर किसानों को कैसे इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। कुछ बैंकों के द्वारा समस्याएँ भी बताई गई, उनके भी निराकरण के उपाय और चर्चा वहाँ हम सब लोगों ने किया है। तो आज मैं समझता हूँ कि काफी फलदायक बैठक हुई है और उसके अच्छे परिणाम आगे दिखाई पड़े। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।